शेखपुरा पहुंची परिवहन मंत्री शीला मंडल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुरजोर स्वागत किया है। इस दौरान शेखपुरा के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला में सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है। परिवहन विभाग को सड़क दुर्घटना में मृत लोगों को 5 लाख की राशि सहायता के तौर पर देगी। पहले यह राशि 4 लाख रुपए थी। उन्होंने कहा है कि अब पूरे राज्य में सड़क का जाल बिछ गया है, इसके साथ ही रोजगार सृजन का काम भी किया जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में लोगों को अस्पताल तक जाने में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले को भी 5,000 तक की राशि देने का प्रावधान है। परिवहन मंत्री शीला मंडल को शेखपुरा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अभी जो आपने बताया तो उस विषय पर पूरा परिवहन विभाग कार्य कर रहा है, पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश में उस पर काम हो रहा है। गडकरी जी वहाँ हैं, उन्होंने भी जब सड़क सुरक्षा का चल रहा था तो जब हमने चार लिए थे तो हम वहाँ भी गए थे। और ये जो है इसको कम करने के तहत ही आज आप लोग देख जानते होंगे कि सभी जिलों में वाहन प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है, ताकि उसमें प्रशिक्षित होकर के जो लोग गाड़ी को चलाएंगे वो प्रशिक्षित होंगे, तो उससे वो जो ज्ञान होगा कि कैसे गाड़ी चलाना है, कौन कौन सी कमियां, जैसे जो कोई पिता ना हो तो उसमें वो जो सिखाया जाएगा साइकोलॉजिकल बात, सब इमोशनल टच करने वाला बात, जो कैसे आप लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, कितने स्पीड में। अभी देखिए स्पीड गन भी हम लोग के पास है, जिसके तहत भी आप गाड़ी जो स्पीड में चलाएगा उसका भी अब ऐसा ऐसा मशीन आ गया है कि वो जाँच कर लेगा कि कितना स्पीड में गाड़ी जा रहा है, कौन पी के चला रहा है कि क्या चला रहा है, वो भी आपको जानकारी दे देगा। तो इसके तहत बहुत सारे काम विभाग में चल रहे हैं और इसका लाभ भी आप लोग देख रहे हैं कि हो रहा है समाज में। कोई बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि अब जो दुर्घटना होगा मौत होती है उसको 5 लाख, पहले 4 लाख कहने का था, क्या प्रोसेस में है या फिर होने वाला ये हो गया है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये तो कैबिनेट से पास हो चुका है, तो जब सरकार की जो भी योजना होती है जब पास हो जाता है तो वो धरातल पे ही आमजन के लिए ही होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आमजन के लिए जो भी योजना बनाते हैं वो कैसे आमजन को, नीचे तबके के लोगों को इसका लाभ मिल सके और जो भी समस्या हो उसका कैसे निदान, तो वो तो इसी तहत हमारे सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी तहत काम करते रहते हैं पूरे बिहार में। इसका आप लोग देख भी सकते हैं कि आप 15 साल पहले का सड़क, 16 साल पहले आप लोग देखते थे, इधर भी लोग आते थे, हम लोग भी आते थे, तो मतलब चल नहीं सकते थे, गड्ढा कहाँ है, सड़क कौन है, पता नहीं चलता। लेकिन आज पूरे बिहार में एक जाल जैसा सड़क का बिछ गया है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, और सभी जगह स्कूल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिलाओं को ये छूट भी दिया गया है 33% का इंजीनियरिंग डॉक्टर अभी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच ही है कि उस पर कैसे हर लोग शिक्षित हो, कैसे रोजगार मिले, सब पे तो काम चल ही रहा है, बहुत सारे लोगों को उनको मिल ही रहा है। अभी हाल में देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसी, शिक्षा विभाग में भी इतने लोगों की बहाली हो रही है। तो सरकार तो सड़क दुर्घटना होती है तो लोग भय से अस्पताल चले जाएं तो संभवतः और जान बच सकती है, उसके लिए भी कोई योजना आई है? तो इसके तहत आप जानते हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पूरे बिहार में जब कोविड का समय था, बहुत विकट स्थिति थी उस समय, बहुत सारे जगहों से आ रहा था कि सभी लोग जिल प्रखंड में, गांव में लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं था, तो परिवहन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से इस विभाग को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड में सबको 2-2 एम्बुलेंस दिया गया, ताकि वहां के आम जन को इससे सुविधा मिल सके जल्दी। आप 350 अभी जस्ट हम लोगों ने CNG बसों के साथ साथ एम्बुलेंस का 350 एम्बुलेंस को भी सभी प्रखंड में जहाँ जहाँ जिनको मिला है उसको भेजा गया है, तो इससे लोगों को बहुत लाभ, जो गोल्डन पीरियड होता है उस समय, तो वो उस समय आप तुरंत लोग उसको ले जाएंगे और किसी लोगों को भय खाने की जरूरत नहीं। आप सरकार भी कह रही है, हम लोग भी कह रहे हैं कि आप खुल करके लोगों को मदद कीजिए। और देखिए गुड सैमरिटन था पहले, उसको उसकी भी राशि बढ़ाई गई है, ताकि लोग
हृदय से मदद करें एक दूसरे का, ताकि जो गोल्डन आवर है तो उस समय अगर मदद होगा तो इसी के तहत ही हम लोग एम्बुलेंस लिए हैं, ताकि उन लोगों की जान की रक्षा हो सके और इसमें बहुत कमी लाया जा सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग स्कूल खुलना था, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हर जिला में खुलेंगे, वो देखिए उसका आपने जो देखा कि कोविड का स्थिति था उस समय बहुत, अभी दो माह पहले बहुत स्थिति खराब था, फिर भी ये जो योजना था वो सब अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई हुआ, सब लोगों का अप्लाई भी हो गया, बहुत जिलों में उसका पास भी हो गया कि नहीं इसको मिलना, तब उस पर हमको लगता है जल्द ही अक्टूबर नवंबर तक समझिए बहुत जगह बन भी बन के तैयार भी हो जाएगा। ओवरलोड की बहुत सारी शिकायतें भी आने, सड़क खराब हो जा रही है उसके कारण, इस पर कोई डायरेक्शन नहीं है अपने विभाग में? इसको तो आप लोग देख ही रहे कि हम लोग जब सरकार हमारी बनी और हमने जब ज्वाइन किया तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया कि जो खराबी हो रही थी सड़क उसके तहत ही कैबिनेट से इसको पास किया गया है कि इतने लोडेड गाड़ी को नहीं चलाना है, तो उस पर कार्रवाई होती है और आप लोग देख ही रहे हैं इसको। शेखपुरा से स्वदेश माणी के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।